जब तक से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जब तक से भगवान शिव जी, जब तक से भगवान ईश्वर अल्लाह की मुकद्दस रहमत और आत्मी बरकत हमारे साथ नहीं होगी, तब तक से यह महफिल मुकद्दस और मुबारक नहीं होगी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करें तो खुदा है। ऐ दोस्त, सारी की सारी दुनिया की हर जंग खत्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है। जी हाँ दोस्तों, हमें ईश्वर और खुदा को अपनी ज़हनियत में, अपनी रूह में और अपने जमीर में साथ में लेकर के चलना होगा, तभी हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष और हमारा भारत देश पूरे के पूरे विश्व का विश्व गुरु कहलाएगा। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष से वी हैव पिकेट अप द डिफरेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द डिफरेंट एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अब मैं हिंदी में से कहना चाहूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियों वाली विशिष्ट हस्तियों का आज हम सम्मान करेंगे भारतीय फिल्म उद्योग जगत और बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों के माध्यम से। और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में, आप लोगों की क्लैपिंग में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वेरी सून देयर लॉट ऑफ द लीजन फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दे आर गोइंग टू रिसीव इन दिस वंडरफुल वंडरफुल ऑनरेबल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोग्राम। आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस थिंग टू ऑल द पीपल अराउंड अक्रॉस द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है वसुधैव कुटुंबकम पीसफुल म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, and it is a tagline of Symbiosis Law College also, peaceful mutual progress existence Vasudeva Kutumbakam। जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम संपूर्ण सृष्टि और विश्व को एक ही जन समुदाय और एक ही क्रीड़ा में लाने की बात करते हैं और एक ही माध्यम में लाने की बात करते हैं, तो दोस्तों हम भारतवर्ष और इंडिया की बात करते हैं। दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर पांव बनाते पग डंडियां, दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर पांव बनाते पग डंडियां, निर्जन बियाबान जंगलों में आबाद हुई है बस्तियां, तक्षशिला और नालंदा से दुनिया को हमने यह पैगाम दिया है, नहीं रहेगा कहीं अंधेरा, ऐसा हमने ठान लिया है, अपने अंदर की ताकत को हमने अब पहचान लिया है। तो आप लोगों को अपने अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर के हम हिंदुस्तान को वसुदेव कुटुंबकम और ज्ञान का खूबसूरत मंदिर बना सकते हैं, शिला लेख बना सकते हैं। मैं अपने पूजनीय पिताजी महाकवि बसंत शर्मा जी को साष्टांग आकाश वंदनवत प्रणाम करते हुए आज इस 14th राष्ट्रीय समाज रत्न अवार्ड का विधिवत शुभारंभ कर रहा हूं। आज मैं जो भी कुछ हूं अपने गुरुदेव अपने महाकवि बसंत शर्मा जी पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से हूं, और साथ में आवाम की मोहब्बत और खुदा की रहमत और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बजरंग बली के आशीर्वाद से हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ इस भावनात्मक कड़ी को बनाए रखूंगा। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन आदरणीय अंजन गोस्वामी जी, उनकी धर्मपत्नी मैडम अनीता गोस्वामी जी अब आ चुके हैं, बहुत जल्द हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आते जाएंगे, उसके बाद हमारा अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत होगी। नाउ गो टू द सेगमेंट ऑफ वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच टू द नीडी पीपल। He has been the source of director for Air India Airlines, and my dear friends, he has been involved for the manufacturer of Paramhans helicopter also, and he has been an appointee from the Honorable Prime Minister of India, Honorable President of India, a very good friend of mine. Insaniyat aur mohabbat ki shodh hai, insaniyat aur mohabbat ki shodh hai. आसमान में जब ये लेते हैं उड़ान, एयर इंडिया के लिए रखते हैं, ये अब हमेशा अपनी एक नई सोच है। और दोस्तों, इंसानियत, मोहब्बत और आसमानी उड़ान की शोध का ही नाम जनाब अमोद है। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, द लिविंग लीजेंड इन एविएशन सेक्टर, कॉर्पोरेट आइकन इन एविएशन सेक्टर एंड सोशल वॉर अवार्ड गोज टू द लिविंग लीजेंड for the aviation sector, Amod Sharma ji, former director of Air India Airlines. Zorda taali ki gargar ho jaye isko. Sir, can you go on the stage please? Former Air India Director Amod Sharma ji getting award under the category of Corporate Icon in Aviation Sector and Social Work
लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमोद शर्मा जी। टू और फ्रॉम यू अमोद जी। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है और प्रसन्नता का विषय है कि फिल्मों की दुनिया में मुझे एडमिशन के लिए किया गया। मेरी जो सर्विसेज है 35 साल की इंडिया में, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो यहाँ के जूनियर मेम्बर हैं अंजन जी और आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारा सिर्फ काम साइन करना नहीं है, हम लोग पूरे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट एयरलाइन चाहिए, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो कार कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, वो बड़े डिवोटेड लोग हैं। वो डिवोशन करके बहुत ही, ये जो फील्ड है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आपकी ट्रेवल, आपका जो आपका खाना पीना, आपकी सेफ्टी हमारे हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रही है। उस वजह से हमारे जो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जब उनका भाव देखते हैं आप, तो आप देखोगे कि कभी कभी इंजीनियर से छोटी भी गलती हो जाती है तो उनके आंखों में पानी आ जाता है कि ऊपर कुछ हो गया हवाई जहाज को, कौन जिम्मेदारी देगा। इतने इमोशनल लोग हैं कि आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके लिए उनकी ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है, पायलट की ट्रेनिंग बड़ी हिम्मत करते हैं। उतना ही नहीं बल्कि विदेशों में अगर कोई समस्याएं भी आती हैं या हमारे लोग फंस जाते हैं, इंडिया के भारतीय लोग, उनको भी हम किसी भी तरह से लेके आते हैं। हमारे जाबाज पायलट अगर वॉर भी हो रही है तो उसके बीच में एयर का हवाई जहाज उठते देखेंगे और लेके आएंगे। उस तरह की जिम्मेदारी बहुत संभालते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है हर आम आदमी को। उनको लगता है हमने टिकट ली, खरीदी, खाना खाया, उतर गए और थोड़ा बहुत बोल दिया एयर इंडिया की एरोस्ट्री थोड़ी ओल्ड है, यंग होनी चाहिए, वो कमेंट्स आ जाते हैं और उसके पीछे मेहनत बहुत छुपी होती है। मैंने तो टोल भी देखा है, मैंने चारों एयरलाइंस को देखा है और मैं बोर्ड पे रास्ता तय लिया है। मुझे इतनी सर्विस मैंने दी सब, तो मुझे देश की सेवा का एक आने मौका मिल गया सबको आपको रुकावट करने का। ज्यादा मैं इसलिए भी बोलूँ कि आपको मेरे से ज्यादा मालूम है क्योंकि आप खुद ट्रैवलर हैं, सब एयरलाइन। थैंक यू वेरी मच। रेवन जी का एक दिन से मुझे ऐसे पता चल रही कि दिव्या कृष्णा जो है वो सीरीज के ओनर है और टॉम वॉल्टर काफी नोन फिल्म है कि वो इनका प्रोग्राम देख रहे थे, इतना सो गए थे इनके प्रोग्राम में, उनको पता नहीं चला उनकी फ्लाइट पे निकल गई। तो किस लेवल के इनका जो एंकरिंग है वो बड़ी प्रेजेंटेशन है, वो बड़ा एक आपका भी मन सबका लुभाया उन्होंने, अकेले स्टेज सुनाया। धीरज जी बहुत पुराने फ्रेंड है, रिलेटरी है आपके, जीनो वर्मा जी रिसेंटली है, इससे बड़ा ऑनर क्या होगा कि इनके हाथों में अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुझे आपने आवाज़ इस अवार्ड से, और ये हमारी मेमोरी मिल रही कि आपके हाथों में हमें मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वॉन्टेड टू से अवन पोएट्री फॉर अमोद जी। उड़ने वाले तो कफस तोड़ के आते हैं, उड़ने वाले तो कफस तोड़ के आते हैं, ए दोस्त इसी रिवाज से हम अपना परवाज बनाते हैं। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर फ्रेंड्स।